हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 13 फरवरी 2022, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश कन्नौज में की जनसभा, कहा पूरा यूपी जानता है आएंगे योगी ही, कितनी ज्यादा सीटें आएंगी इसी का है मुकाबला। वैज्ञानिकों की चेतावनी, नींद आना कम हो गया है तो डॉक्टरों की सलाह लें, ये मानसिक समस्या का लक्षण हो सकता है। वहीं अगर आप संतुलित मात्रा में कॉफी पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाल ही में लंदन की क्वींसबेरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की स्टडी में इस बात का पता चला। एनसीबी की एक बड़ी कामयाबी, देखिए पाकिस्तान के रास्ते आ रही 2000 करोड़ की ड्रग्स नौसेना के साथ मिलकर की जब्त। अमेरिकी रूस विवाद पर बड़ी खबर है कि जो बाइडेन ने पुतिन को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी और एक घंटे से भी ज्यादा फोन पर हुई बातचीत। वह देखिए, जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेगा न्यूजीलैंड, एक सहमति पत्र पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले सियासत तेज हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। वह देखिए, पीएम मोदी ने देश भर में लंगर को किया टैक्स फ्री, करतारपुर कॉरिडोर भी सरकार की वजह से ही संभव हुआ, बोले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी रिकवरी नोटिस को ले वापिस, नहीं तो हम खुद कर देंगे रद्द, यूपी सरकार से कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं कर्नाटक हिसाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, देश भर में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की हुई मांग। हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के एंट्री से नाराज भारत, कहा आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। देखिए, हिजाब पर मचे विवाद के बाद इसको बेचने वालों का मुनाफा बढ़ा, क्योंकि 30-40% तक बढ़ गई सेल। दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला है, 25 फरवरी से 12 मार्च तक बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर होंगे नाटक आयोजित। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आज की सबसे बड़ी खबर कि देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड आया सामने। ABG शिपयार्ड ने 28 बैंकों को लगाया 22,842 करोड़ रुपए का चूना, CBI ने दर्ज किया FIR। ABG शिपयार्ड एक जहाज बनाने वाली कंपनी है, जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है, और इस कंपनी ने बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया। ये गुजरात की कंपनी है, इस कंपनी ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाया, और ये बात की जानकारी पता चलने पर CBI ने FIR भी दर्ज की है। 7 बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस कंपनी के चलते। ICICI बैंक सबसे ज्यादा नुकसान में रहा, 7,089 करोड़। उसके बाद IDBI बैंक से 3,634 करोड़ का घोटाला सामने आया, और ये दोस्तों देश में कोई कंपनी के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने देखने को मिला है। अच्छा, वही देखिए बड़ी दुख की बात, राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन हो चुका है। लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रहे थे, 50 साल तक बजाज ग्रुप के ये चेयरमैन रहे। जानकारी के लिए बता दूं, 2001 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ। आज रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ राहुल बजाज जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और इनके निधन पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज लोगों ने इनको श्रद्धांजलि देते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अच्छा, वही देखिए, टाटा कंपनी ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब एयर इंडिया के टिकट पर एयर एशिया में भी आप सफर कर पाएंगे। दरअसल एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया, इन दोनों कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत अगर किसी कंपनी की कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है ना, तो आप दूसरी एयरलाइंस कंपनी से भी सफर कर पाएंगे इन दोनों में से किसी के भी साथ, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में 14 फरवरी को कई इलाकों में 9 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। टैंकर मंगवाने के लिए आप इन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दिल्ली के जलदाय विभाग की तरफ से आम पब्लिक के लिए सूचना जारी की गई है, और कौन कौन से इलाके में पानी की दिक्कत रहेगी उसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, बैंकिंग न्यूज को लेकर एक और बड़ी खबर है। इन दो सरकारी बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। कौन कौन से दो बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। इन दोनों बैंकों ने FD की ब्याज दरों में चेंज किया, और ये बदलाव किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी एक साल के FD पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको 5% रिटर्न दे रहा है, और यूको बैंक 5.10% ब्याज दे रहा है। और बदलाव के बाद अभी दोनों बैंकों के अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार FD की इंटरेस्ट रेट क्या है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और वहीं आम आदमी के लिए एक और राहत भरी खबर देखिए आप। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है, और क्रूड पाम तेल पर कस्टम ड्यूटी को 8.25% से घटाकर सीधा 5.5% कर दिया, और इससे थोड़े खाने के तेल सस्ते होंगे। सरकार का कहना है कि तेल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए
फैसला लिया गया है। अच्छा वही देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ा फैसला आ रहा है, फार्मासिस्ट की डिग्री के बिना बिजनेस शुरू करने का मौका, 12वीं पास बेच सकेंगे मेडिकल उपकरण। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत मेडिकल डिवाइस रूल्स में बदलाव किया गया और इन्हें मेडिकल डिवाइसेज अमेंडमेंट रूल 2022 कहा जा सकता है। और इसके बाद अब 12वीं पास कोई भी व्यक्ति मेडिकल के व्यवसाय के क्षेत्र में डिवाइसों की खरीद और बिक्री कर सकता है, यानी कि जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स आते हैं ना उनको बेच सकते हैं। दवाइयों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जो मेडिकल की टेबलेट्स आती हैं, मेडिसिंस आती हैं, वो तो नहीं बेच पाएंगे फार्मास्यूटिकल की डिग्री के बिना, लेकिन जो 12वीं पास कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मेडिकल के डिवाइस को बेच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर जांचने की मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत मेडिकल डिवाइस रूल्स में बदलाव किया गया है। ओके वही देखिए दोस्तों, पंजाब में भाजपा का चुनावी दांव, जारी किया संकल्प पत्र, 300 यूनिट तक बिजली फ्री और 4000 प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है पंजाब में बीजेपी ने। और इसके अलावा किसानों का लोन भी माफ किया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए कि अगर हमारी सरकार आती है तो सभी को 300 यूनिट तक तो बिजली फ्री दी जाएगी, सभी किसान भाई लोगों का ऋण यानी कि लोन माफ किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन मिलेगा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोगों को साल में 150 घंटों के काम की गारंटी दी है और बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे, देखते हैं आगे तो बाकी चुनावी नतीजे ही बताएंगे क्या कुछ वक्त बदलता है। चलिए फिलहाल अगला अपडेट देखिए दोस्तों, क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च में एक और दावा किया गया है कि दक्षिण एशियाई लोगों में भूलने की बीमारी का जोखिम यानी कि रिस्क ज्यादा होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को दूर करना जरूरी है और ये भूलने की बीमारी के पीछे मुख्य कारण है नस्ल भेद, जातिवाद और गरीबी। इन वजहों से दक्षिण एशिया के लोगों में भूलने की बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ गया। हाल ही में ब्रिटेन स्थित क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये बात सामने आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान राज्य बना देश का सबसे बड़ा सोलर हब, सूरज की रोशनी से देश की 20% बिजली राजस्थान ने बनाई है, कर्नाटक और गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, अमेजिंग कलाकारी, जम्मू कश्मीर में बर्फ का ताजमहल बनाया गया, गुलमर्ग में 0 से 12 डिग्री के नीचे तापमान के अंदर 17 दिन में तैयार हुआ ये बर्फ का ताजमहल का स्ट्रक्चर और इससे जम्मू में टूरिज्म बढ़ने की भी उम्मीद है। अच्छा वही देखिए, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो शेयर मार्केट से बैन हो गए। दरअसल सेबी की तरफ से अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस को शेयर बाजार से शेयर मार्केट से बैन कर दिया गया। इसके पीछे सेबी का कहना है कि सेबी ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग करने और इसे कर्जा चुकाने के लिए ग्रुप के अन्य इकाइयों में ट्रांसफर करने के चलते ये बैन लगाया। अच्छा वहीं बॉलीवुड से खबर है कि सामने आया टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 का नया पोस्टर, ये फिल्म इसी साल ईद पर होगी रिलीज। वहीं दोस्तों कर्नाटक राज्य में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज और स्कूल, हिजाब विवाद मामले पर कर्नाटक में माहौल बढ़ता जा रहा और इसके कारण बुधवार तक 11वीं 12वीं के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 3 शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखा गया। और देखिए दोस्तों, ये हिजाब विवाद राजस्थान जयपुर तक भी पहुंच चुका है, बुर्का हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज में घुसने नहीं दिया, बोली कि लोग हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। तो वहीं हिजाब विवाद में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी, पाकिस्तान और अमेरिका के बयानों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि ड्रेस कोड पर प्रायोजित कमेंट न करें। वही देखिए, कर्नाटक हिजाब विवाद पर खबर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया और इस मामले पर अब आगे जो कर्नाटक हाई कोर्ट की उच्च बेंच के द्वारा जो फैसला आएगा ना, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तो वही देखिए, पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा का संत समाज ने किया स्वागत और कहा कि यूपी में भी लागू होनी चाहिए। आपको बता दूं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कॉलेजों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर दी है इस हिजाब विवाद के बाद, और संत समाज ने इसका स्वागत भी किया। तो वही देखिए, कर्नाटक मैसूर पुलिस ने रविवार तक लगाई रैलियों, विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी, शहर में धारा 144 लागू हुई है। तो ये कुछ मसला और माहौल चल रहा है हिजाब को लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के तीनों लॉकडाउन में व्यापारियों को जो नुकसान हुआ उसको लेकर देश भर के व्यापारियों की सरकार से ये मांग है कि इस कानून के तहत हमारी भरपाई होनी चाहिए। दरअसल केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि साल 2020 से लेकर अभी तक जो कोरोना महामारी के कारण तीनों लॉकडाउन के चलते राजधानी दिल्ली सहित देश के व्यापारियों को जो नुकसान हुआ, उनके कारोबार में, धंधे में, व्यापार में जो नुकसान हुआ, घाटा हुआ ना, उसकी भरपाई सरकार को आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 12 के अंतर्गत करनी चाहिए। अब ये पत्र लिखा गृह मंत्री अमित
उत्साह को। अब देखते हैं दोस्तों कि सरकार की तरफ से इस पत्र के जवाब में केट को क्या रिस्पॉन्स दिया जाता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, वह देखिये, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने 49 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से पहुंचाई प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि। तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फसल बीमा राशि कल ही किसानों के खातों में जमा की गई और इससे लगभग राज्य के 50 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, एंड्रॉइड 13 का डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च हो चुका है और एंड्रॉइड के इस नए अपडेट में आपको बेहतर थीम तो मिलेगी, साथ में प्राइवेसी भी और ज्यादा मिलेगी और यहाँ तक कि अब नए अपडेट में ऐप परमिशन पर यूजर्स का कंट्रोल रहेगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने ढील देते हुए पद यात्रा की भी मंजूरी दे दी है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक पार्टियां प्रचार कर सकेंगी। अब धीरे धीरे जो देश में हमारा कोरोना का माहौल कम हो रहा ना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार के नियमों में बदलाव किया गया, कुछ और ढील दी गई है। चुनाव से पहले पार्टियों को राहत देते हुए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार का समय 4 घंटे बढ़ा दिया। पद यात्रा के साथ 50% क्षमता के साथ सभा करने की भी इजाजत दी है। 5 राज्यों में जो हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से कल ही इन नियमों में ढील दी गई है। अब केवल चुनाव प्रचार के लिए रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बैन रहेगा, इलेक्शन कमीशन के नई गाइडलाइंस के मुताबिक, है ना। और वहीं पॉलिटिक्स पर एक और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की तीनों पोस्टर गर्ल भाजपा में शामिल हो चुकी है। जो तीनों मेन लीड गर्ल रही, ये तीनों भाजपा में शामिल हो गई। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है दूसरे चरण के यूपी चुनाव से पहले, राइट। और वही देखिए दोस्तों, बैंक कर्मचारियों से अगर काम में गड़बड़ी हुई तो होगी सख्त कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी कहना दोस्तों कि ऐसे मामलों में बैंक कर्मचारी की नौकरी भी जा सकती है, सतर्क हो जाएं। कोई भी बैंक कर्मचारी बैंक में काम करते समय बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ये कहना देश के सर्वोच्च न्यायालय का। अच्छा, ईएसआई अस्पतालों में अब फ्री में करा सकेंगे लोग हेल्थ चेकअप। 15 शहरों में सुविधा शुरू हो चुकी है। 40 से ज्यादा के उम्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दूं, ये स्कीम देश के पहले 5 शहरों में चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर देश के 15 शहरों तक शुरू कर दिया। और सरकार का तो कहना है कि अब सरकार ईएसआई अस्पतालों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्तियां भी बढ़ाने जा रही है, उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल ही बताया कि अब देश के 15 शहरों में ईएसआई के अस्पतालों में फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। और भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, ड्राइविंग के समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं है, लेकिन आपको ये शर्त माननी होगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं होगा। इसके लिए हमारी सरकार नए नियम बना रही है और शर्त इसके लिए यह है दोस्तों कि गाड़ी चलाते समय अगर आप फोन पर बात करते हैं ना, तो आपको हेड्स फ्री लगाना जरूरी होगा, यानी कि कान में जो ईयरफोन हेडसेट वगैरह आते ना, उनके जरिए आप बात कर पाएंगे। आपका मोबाइल फोन आपकी जेब में ही पड़ा होना चाहिए, वरना आपका चालान कटेगा। तो इस तरह के नियम में सरकार बदलाव करने जा रही है ना। अच्छा, वहीं देखिए, अब हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी किया जाएगा ब्लैक बॉक्स तकनीक का इस्तेमाल। भारतीय रेलवे की तरफ से यह नया फैसला लिया गया। ब्लैक बॉक्स टेक्निक इस तरह की टेक्निक होती है कि जब कोई हवाई जहाज क्रैश हो जाए, दुर्घटना हो जाती है, तो उससे पहले क्या क्या एक्टिविटीज हुई वो सब उसमें रिकॉर्ड रहती है, राइट। तो इसी तरह से ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाओं को भी रोकने के लिए, ट्रेन हादसों में कमी लाने के लिए रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। रेलवे में भी अब ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और यात्रियों के लिए अच्छी बात है ये, राइट। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नई योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। अच्छा, कुछ स्टेट अपडेट देखिए आप। बिहार में लंबी पड़ी ठंड इस बार और इसके कारण मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी कम पड़ेगी। 3 दिनों में 4 डिग्री के नीचे आएगा पारा। बीते 60 साल में जब जब शीतलहर चली ना, तब तब गर्मी ने कम झुलसाया, यानी कि जिन राज्यों में इस बार ठंड ज्यादा पड़ी उन राज्यों में गर्मी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और राजस्थान में फिर से बारिश शुरू हो सकती है। 18 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ फिर से शुरू होने की संभावना। संपूर्ण भारत का आज 13 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर अपडेट देखिए आप। साप्ताहिक रेट इस सप्ताह सोना महंगा हुआ है। टोटल एक्स पिछले सप्ताह में मतलब सोने के रेट में 640 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी की कीमतों में 792 रुपए की तेजी आई। उसके बाद अभी सोने चांदी के रेट क्या चल रहे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 48,496 नए मामले देखे गए। 803 लोगों की मौत हुई और राहत की बात यह है कि तीसरी लहर के पीक के मुकाबले अभी मामलों में 86% तक की गिरावट देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 920 नए मामले आए। 13 मरीजों की मौत हुई। संक्रमण दर घटकर 1.68% हुई। अच्छा वही देखिए, मध्य
प्रदेश हाई कोर्ट में फिजिकल हियरिंग से रोक हट चुकी है। 14 फरवरी से वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी बल्कि फिजिकल सुनवाई वापस होना शुरू हो जाएगी। इतने दिन कोरोना के चलते एमपी हाई कोर्ट में जो डिजिटल सुनवाई हो रही थी ना, उसकी जगह फिजिकल सुनवाई होना लग जाएगी 14 तारीख से, है ना। वही देखिए, बिहार में कम होते संक्रमण के मामलों के बीच हटाए गए कोरोना के प्रतिबंध, सीएम नीतीश कुमार ने दिए आदेश। दरअसल बिहार में अनलॉक शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ सब कुछ खुलेगा। 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी सीएम की अपील है कि सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करते रहिएगा, सतर्क रहें। अब बिहार में सरकार ने अनलॉक के तहत क्या क्या नई गाइडेंस जारी की है, इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, तमिलनाडु में प्राइमरी कक्षाओं को फिर से खोलने की दी गई इजाजत। 2 मार्च तक सोशल गैदरिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा, है ना। और कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मई के दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होगी, टीचर्स ने इसका विरोध भी किया। वहीं हरियाणा में आठवीं बोर्ड की परीक्षाओं पर अपडेट आ रहा कि 20 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। 1000 प्राइवेट स्कूल इसके लिए करवा चुके हैं, न करवाने वालों पर जुर्माना भी लग सकता है। अच्छा, फटाफट से कुछ देश से जुड़ी और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.1 की एक तीव्रता पर भूकंप आया, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा वही देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस अब और भी ज्यादा हाईटेक होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड से आएगा डिजिटल वायरलेस हेडसेट। वॉइस रिकॉर्ड भी होगी, इसमें लोकेशन भी ट्रेस कर पाएंगे। इंदौर पुलिस को ये 1000 हेडसेट मिलेंगे। देखिए, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ट्रेन यात्रियों को रेलवे जल्द ही एक और बड़ा तोहफा देने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आए दिन रेलवे की ट्रैक को पार करते समय दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार जानवर वगैरह की भी रेल पटरी के चपेट में आ जाते हैं, मतलब ट्रेन आ रही होती है और पटरी पर चले जाते हैं। तो इस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन का कहना है कि कई जगहों पर दोनों किनारों पर, मतलब रेलवे ट्रैक के दोनों किनारों पर दीवार बनाई जाएगी, इस तरह का फैसला लिया गया है। दिल्ली से हावड़ा व दिल्ली से मुंबई के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने का लक्ष्य भी इंडियन रेलवे का है। अच्छा वही देखिए, मध्य प्रदेश में डायनासोर के अंडे पाए गए और उन अंडे के दावे पर एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिला। पुरातत्व विभाग ने कहा कि ये अंडे डायनासोर के हैं। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बोले कि लावे से बना बेसाल्ट पिंड है। अच्छा वही देखिए, हरियाणा में अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी पीएफ की सुविधा। ईपीएफओ ने 150 फर्मों को भेजा नोटिस। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा राज्य में अब इस तरह के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पीएफ की सुविधा मिलेगी, जिसमें पेपर मिल, सरस्वती सुगर मिल, इसजेक सहित होटल, कंपनी, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, इन सभी फैक्ट्रियों वगैरह में काम करने वाले एम्प्लॉइज को भी अब पीएफ की फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा वही देखिए, हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी देखी गई। मरीज परेशान हुए इसके कारण। अस्पतालों में ओपीडी के बाहर लंबी कतारें भी लग गई। एमओ की पेन डाउन स्ट्राइक दूसरे और तीसरे दिन भी जारी रही। वह देखिए, एक गुड न्यूज है, संयुक्त अरब अमीरात में भी रिलीज होगी भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई दो। साथ ही देखिए, गैर ऊर्जा क्षेत्र के लिए कोयले की कमी नहीं है, हर दिन हो रही 3.4 लाख टन कोयले की आपूर्ति, कोल इंडिया कंपनी का यह कहना है। अच्छा, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन भरी जाएगी एसीआर। 28 फरवरी तक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के दिए निर्देश। एसीआर बोले तो वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की अब ऑनलाइन फिलअप होगी। वहीं देखिए दोस्तों, वाहन पीएलआई योजना में फोर्ड, टाटा मोटर सहित 20 कंपनियां होगी शामिल, 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। वहीं देखिए दोस्तों, गोल्ड पर आखिर सरकार का नया प्लान क्या है और इससे कैसे आम आदमी को फायदा मिलेगा। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज पर सोने को खरीदना और बेचना अब हकीकत में तब्दील होने वाला है, यानी कि शेयर मार्केट में जिस तरह से कंपनियों के शेयर से ट्रेडिंग करते हैं ना, वैसे ही अब आप गोल्ड से भी ट्रेडिंग कर पाओगे। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में ट्रेडिंग करने के लिए हरी झंडी दे दी है और बहुत जल्द अब आपको शेयर मार्केट में गोल्ड पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अच्छा वही देखिए, खेती में नहीं होगा डीजल का इस्तेमाल, सरकार ने एक नया प्लान भी तैयार किया। देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का कहना है कि भारत में अगले 2 सालों में कृषि में डीजल का इस्तेमाल लगभग खत्म हो जाएगा। इसके लिए बिजली मंत्रालय ने किसानों को डीजल से चलने वाले सिंचाई पंपों के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है और सरकार किसानों को इसके लिए सब्सिडी और राशि वगैरह भी दे रही है, तो अच्छी पहल है वाकई में। वह देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला बस ड्राइवरों की नियुक्ति के मानदंड और शर्तों में कुछ ढील दी है और सरकार के इस फैसले के बाद राजधानी में महिलाएं भी आसानी से कार ड्राइविंग कर पाएंगी, बस ड्राइविंग कर पाएंगी। एक तो आवेदन करने के लिए महिलाओं की जो न्यूनतम ऊंचाई लंबाई बोले तो 159 सेंटीमीटर से घटाकर 153 सेंटीमीटर कर दी है और भी कुछ इसी तरह के नियमों में बदलाव किया गया।
है ना। अच्छा वह देखिए रिकॉर्ड बना चुकी वेब सीरीज स्क्विड गेम को नेटफ्लिक्स ने अमेरिका में पहली बार थिएटर्स में भी रिलीज किया और अब ये इस तरह का नया ट्रेंड भी शुरू हो रहा। साथ ही खबर देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन का हब बनेगा हमारा भारत, ब्लू हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर में ग्लोबल लीडर बनेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, 30,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने का प्लान है मुकेश अंबानी जी का। चलिए अगला अपडेट देखिए मेडिकल साइंस का एक नया करिश्मा देखिए दोस्तों, अब लकवाग्रस्त इंसान भी चल पाएंगे। इस मरीज ने बिना रुके 1 किलोमीटर चलकर दिखाया। दरअसल मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों ने एक इस तरह की नई तकनीक इजाद की है इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करके, और इसकी मदद से ये संभव हो पाया कि लकवाग्रस्त इंसान भी अब चल सकेंगे, साइकिल भी चला सकेंगे। वैज्ञानिकों ने 3 लकवाग्रस्त मरीजों पर यह प्रयोग किया और ये प्रयोग सफल रहा है, और ये वाकई में मेडिकल इंडस्ट्री में लकवाग्रस्त मरीजों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, राइट। वह देखिए दिल्ली एम्स में ओपीडी मरीजों को अब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इंतजार, उसी दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी आपको मिलेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से ये अपडेट है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, आज से आम लोगों के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, यानी कि आम लोग भी अब इस मुगल गार्डन में टिकट लेकर के घूम पाएंगे, विजिट कर पाएंगे। ये कितना खूबसूरत है इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए सरकार का बड़ा फैसला है, अब विदेश से आयात नहीं कर सकेंगे ड्रोन, इंडिया खुद बनेगा इसका ग्लोबल हब, यानी कि ड्रोन अब आप बाहर से नहीं मंगा पाएंगे, भारत के ही बने हुए ड्रोन भारत में बिकेंगे। वही देखिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के हरिश्चंद्र महाविद्यालय का गूगल के साथ एक समझौता हुआ है, और इससे 8,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा ई कंटेंट एक्सेस करने का। वही देखिए यूपी में अब मुंशी जी भी जा सकेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट, 14 फरवरी से ई पास से कर सकेंगे एंट्री, हालांकि इसके लिए वकीलों से प्रमाणित कराना होगा। अच्छा वहीं सोमवार से कल 100% सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस जाना जरूरी हो गया, सरकार ने जो वर्क फ्रॉम होम था वो खत्म ही कर दिया है। और वहीं देखिए दोस्तों आईपीएल मेगा ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसके पहले दिन 74 प्लेयर्स नीलाम हुए हैं। 15.25 करोड़ पाने वाले ईशांत सबसे महंगे क्रिकेटर बीके, 10 सितारे 10 करोड़ी क्लब में शामिल हुए हैं। तो वहीं अनकैप्ड खिलाड़ियों में आवेश अव्वल रहे, और भी किन खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए मिले, कौन कौन सी टीम ने इनको खरीदा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरों में। ओके तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कोई 3 ऐसी सब्जियों के नाम बताइए जो कि जमीन के अंदर मिट्टी में पैदा होती है। नेम एनी 3 वेजिटेबल्स विच ग्रो इन द सोइल अंडर द ग्राउंड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी TLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट पीसी गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ आप हमारे चैनल DLS को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।